स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी ने विधानसभा को किया संबोधित, सीएम योगी ने किया सीएए का समर्थन, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कन्हर सिंचाई परियोजना को मिला बजट, बजट में सरकार ने दिए 200 करोड़ रुपए। वहीं सोनभद्र में चिरवासियों में फैली खुशी की लहर। गोंडा में लापरवाही मामले में बीएसएस निलंबित, फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई न करने पर निलंबन। डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति नए बीएसएस नियुक्त। सोनभद्र में परीक्षा के दौरान छात्रा हुई बेहोश, इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही थी छात्रा, वहीं एग्जाम फोबिया के चलते हुई बेहोश। और महोबा में सराफा दुकान में लाखों की चोरी, लाखों के आभूषण और नकदी हुए चोरी, एसपी ने घटनास्थल की जांच। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों पर निशाना साधा, और ये वो लोग हैं जिन्होंने विपक्षी पार्टी का बहुत ज्यादा समर्थन भी किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने इन पर निशाना साधा है जिन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर पिछले कई साल पहले जो लोग मारे गए थे उनके लिए उनके पक्ष में आए थे। तो अब क्या कुछ कह रहे योगी आदित्यनाथ, आइए उनको सुनते हैं। लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या की मान्यता को ही धूल दूषित करने का कार्य किया था। आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास है। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाना उचित मानते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। सचमुच 30 अक्टूबर 2090 और 2 नवंबर 2090 को परिंदा ने लाखों राम भक्त अयोध्या में थे, लेकिन ये सचमुच 9 नवंबर 2019 को साबित हुआ है कि परिंदा भी कहीं कानून व्यवस्था में पर नहीं मार सकता है। उत्तर प्रदेश ने 9 नवंबर 2019 को साबित किया है। इस देश की विजय है। जो राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे थे वे सही थे, और जो गोली चलाने वाले थे वे गलत थे, ये साबित हुआ है। आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। अयोध्या में वर्षों से दबी ही उन भावनाओं को एक मंच मिला, और इस मंच के माध्यम से चीजें सामने आई हैं कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक सशक्त लोकतंत्र है, और इसने भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया है और भारत की न्यायपालिका की ताकत का भी एहसास कराया है। तो वहीं यूपी के गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि बीएसए मनीराम को 28 सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्जी शिक्षा की तैनाती की गई थी, और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई ना करने के चलते उन्हें निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि सरकार को हर महीने इन शिक्षकों के कारण 94 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। फिलहाल डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति को गोंडा का नया बीएसए नियुक्त किया गया है। तो वहीं खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में दुधि प्रोजेक्ट का योगी सरकार ने बजट पेश किया है। धन आवंटित परियोजना में नई जान फूंकने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 18 फरवरी को पेश हुए बजट में कृषकों के लिए वरदान साबित होने वाली बहुप्रतीक्षित कन्हर सिंचाई परियोजना को जगह दी है। साथ ही साथ सरकार ने 200 करोड़ रुपए भी दिए हैं, जिसे लेकर क्षेत्रवासियों ने सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। वहीं आपको बताते चले कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अभियंता विनय कुमार सिंह ने बताया है कि इस वित्तीय वर्ष में 321 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसको भलीभांति तरीके से पूरा किया गया है।
खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के डीएम के निर्देश पर नगरपालिका के नायब तहसीलदार और ईओ नगरपालिका के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाओ और पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट से रामलीला स्थित गांधी पार्क तक चले इस अतिक्रमण अभियान के अंतर्गत पुलिस और नगरपालिका ने अतिक्रमण को हटाया है। वहीं इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अतिक्रमण अभियान शहर में बार बार चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद स्थिति जस की तस हो जाती है, जिससे शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। साथ ही जाम की समस्या भी लगातार बनी रहती है। ये अतिक्रमण अभियान जो चला गया है, रोडवेज जो तिराहा है यहाँ पर, वहाँ से लेकर के बुल्ला चौक और जानी चौराहे से आगे तक का अतिक्रमण हटाया गया है, जिसमें स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के अतिक्रमणों को हटाया गया है। शासन की मंशा के अनुसार और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर ये अभियान चलाया गया है और निरंतर इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा, ताकि शहर अतिक्रमण मुक्त हो सके और जो सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए उनको मिल सके। तो वहीं सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद हरदोई में एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हरदोई में एंटी करप्शन टीम ने पुलिस ने एक रिश्वतखोर दरोगा को गिरफ्तार किया है। दरअसल दहेज एक्ट के मामले में पति पत्नी के विवाद में चल रहे मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने को लेकर दरोगा ने महिला के पति से 5,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत महिला के पति ने एंटी करप्शन विभाग लखनऊ में की। तो वहीं साक्ष्यों के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अब एंटी करप्शन की टीम इस पूरे मामले में दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। ये हरपालपुर थाने पर नियुक्त उपनिरीक्षक हैं मिस्टर अभिषेक सिंह। इनकी शिकायत मिली थी, शिकायतकर्ता जमील अहमद ने, जकील अहमद ने इनके बारे में शिकायत किया था कि इनके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लाने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। इस सूचना पर शिकायतकर्ता को साथ लेकर के और आज हरपाल तराहे पर ट्रैप किया गया, जिसमें कि रंगे हाथ पकड़े गए 5,000 रुपये। महाशिवरात्रि आने के लिए है और इसको लेकर शिव जी के भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के चलते कावड़ यात्रा में इस बिजनौर में बम बम भोले की गूंज से गूंज उठा है। हजारों कावड़िए हरिद्वार से कावड़ लेकर बिजनौर से होकर गुजर रहे हैं। वहीं उस कावड़ यात्रा के मद्देनजर जिले में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार से शुरू हुई कावड़ यात्रा में शामिल हजारों कावड़िए दिन और रात अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं, जो 21 फरवरी को शिवरात्रि के दिन मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने कावड़ियों के लिए कैंप की व्यवस्था की है, साथ ही कावड़ियों की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग में जुटी हुई है। ये कावड़ के लिए हमने पर्याप्त पुलिस बल लगा रखा है, विशेषकर हमारा जोर ट्रैफिक व्यवस्था पर है। कल 2 QRT की बना दी गई है ट्रैफिक की, एक नरेवाद क्षेत्र में, एक जो है मंडावली क्षेत्र में रहेगी, ताकि कावड़ियों का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से होता रहे। इसके अलावा सादे में भी कांवड़िए लगाए गए हैं, ताकि किसी भी लाइन ऑर्डर की स्थिति में उनकी मदद ली जा सके। इसके अलावा पब्लिक के लोगों की भी मदद ली जा रही है इसका। तो वहीं महोबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में करहरा कला के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई, तो वहीं इस हादसे में एक की मौत भी हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों में बोर्ड परीक्षा देने जा रही छात्रा मोहनी मालती के अलावा जुरेत सोनम, तुलाराम और ब्रजकिशोर भी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 4 घायलों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया है। सड़क दुर्घटना में 7 लोग एक्सीडेंट से प्रभावित हुए, जिसमें से एक की एट स्पॉट वहीं मृत्यु हो गई, बाकी के 6 लोग हमारे हॉस्पिटल लाए गए। इन 6 लोगों में से 4 लोगों को हमने रेफर कर दिया है और 2 लोगों का हमारे हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है, और इसमें इम्तहान देने वाली 2 लड़कियां भी मौजूद हैं, जिनको गंभीर रूप से चोटें आई हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो खतरे से।
तो वहीं बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में भी एक जबरदस्त हादसा देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार बस और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई है और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग भी घायल हुए हैं। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस हादसे में 6 लोगों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में कार ने 2 युवकों को रौंद दिया। जानकारी के मुताबिक जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र के सराय से एक निवासी नारायण सिंह अपनी बेटी को विदा करने आए थे, जिसके बाद पिता और उसका पड़ोसी सड़क किनारे खड़े थे, तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित कार ने दोनों को रौंद दिया। वहीं इस घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी 5 मिनट पहले पुलिस वाले 2 पेशेंट को लेकर के आए, जिनको बता रहे थे कि धात्री कोई जगह है हाईवे पे, वहां पे एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ लाने के जब उनको चेक किया गया तो वो ब्लड डेड थे। खबर महोबा से है, जहां महोबा में झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में कोतवाली क्षेत्र में चंदपुरा गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। वहीं इस दर्दनाक घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति अशोक को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल स्थानीय लोगों ने धरना देकर जमकर नारेबाजी भी की है और सड़क के रास्ते की मांग की है। दरअसल जिले के शिकोहाबाद नगर के प्रतापपुर चौराहे की बात है, जहां प्रतापपुर हाथवंत खैरगढ़ फरीहा को जोड़ने वाला मार्ग है और इसी चौराहे को के दूसरी तरफ कई मोहल्ले भी हैं, जिनमें लाखों की आबादी है, लेकिन NH1 इस चौराहे को बंद कर रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में अभी भी गुस्सा है और नारेबाजी जमकर लगातार कर रहे हैं। सिटी वॉच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी हाजिर होंगे।